स्टार्टिंग में बाबा ने कहा कि ज्ञान सहित जो प्रेम होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। अब चूंकि हम प्रेम तो कर रहे हैं स्वयं परमात्मा से, तो ये तो सच्चा प्रेम है और यथार्थ प्रेम है। इसमें बाबा ने बहुत ही गहराई से बात कही है, ज्ञान सहित प्रेम। इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण हम चाहेंगे आपसे। क्योंकि बाबा जब अव्यक्त हुए जी भाई साहब, तो साकार ब्रह्मा बाबा से भी बहुतों का बहुत प्यार था, जी 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 और बाबा चाहता था कि इनका प्यार शिव बाबा से होना चाहिए, देहधारी आत्माओं से नहीं। तो इसलिए बाबा हम सबको ज्ञान युक्त बना रहे हैं कि तुम जिसको याद कर रहे हो, क्योंकि साकार बाबा ने शरीर छोड़ा तो कईयों को उसका जैसे वियोग था, दुख की फीलिंग थी। तो बाबा नहीं चाहते थे कि आत्मा कोई भी शरीर छोड़ती है तो कोई बच्चे दुखी हों, अशांत हों। तो बाबा उस प्रेम की परिभाषा को इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर प्रेम में ज्ञान युक्त नहीं है तो मोह हो जाएगा, और मोह तो हमेशा दुख देता है। तो इसलिए बच्चों का प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसमें दुख की फीलिंग हो। ये जो शुद्ध मोह है, शुद्ध प्यार है, इस प्यार के आधार से तुम बच्चे बाबा से मिलन बना सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो, उनकी हाजिरी का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ा है लेकिन आत्मा कहीं गई नहीं है, तो जब गई नहीं है तो वियोग की अनुभूति क्यों कर रहे हो? तो इसलिए बाबा हम सबको उस समय तैयार कर रहे हैं कि बाबा कहीं गए नहीं हैं, आप बच्चों के बीच में ही हैं। इसलिए ये जो प्यार है ये ज्ञान युक्त होना चाहिए, प्रेम ज्ञान युक्त होना चाहिए, नहीं तो उसमें मोह दिखाई देगा, और मोह तो हमेशा दुख अशांति के अनुभव ही कराएगा। इसलिए ज्ञान युक्त प्रेम बाबा ने यूज किया, क्योंकि बाबा ज्ञानी आत्मा बना करके हम बच्चों को गया। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो शरीर छोड़ती है फिर दूसरा लेती है, लेकिन उसका कोई भी स्थान परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, लेकिन उसका विनाश नहीं होता। तो बाबा ये ज्ञान दे के गए हैं, इसलिए आत्मा अविनाशी है, और अगर बाबा से प्यार है, अविनाशी शक्ति से प्यार है, तो फिर मोह के रूप में प्रेम नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने वहाँ ज्ञान शब्द यूज किया, ज्ञान युक्त बनो, माना आत्मा का ज्ञान रख करके बाबा से साकार में प्यार है उसमें भी ज्ञान यूज करो, और शिव बाबा से भी प्यार है, वो भी कहीं गया नहीं, वो आप बच्चों के बीच में है। इसलिए ज्ञान युक्त प्रेम कह करके बाबा ने हम सब के मुंह की जो ऐसी दुख की लहरें थी उनको समाप्त किया, वियोग का अनुभव ना हो। फिर भी भाई साहब देखिए, जब साकार में कोई व्यक्ति रहते हैं तो कोई भी हो, दुनिया में भी कोई होते हैं, फिर उसके बाद अचानक से देखते हैं कि वो नहीं है हमारे मध्य, तो कुछ ना कुछ तो दुख की रग जाती है। क्योंकि जब साकार में बाबा थे तो सभी लोग यही सोचते थे कि क्योंकि उनके तन में शिव बाबा आते थे, तो शिव बाबा को सभी ने उनके तन द्वारा ही महसूस किया। ऐसे में बाबा ये चाहें कि हम अचानक से व्यक्त भाव को छोड़कर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लें, ये तो सच में बहुत ही ऊंची और बहुत ही थोड़ी सी कठिन स्टेज है। लेकिन बाबा तो अपने समान बनाना चाहते हैं। जी जी जी, बाबा तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, क्योंकि बाबा देह से न्यारा है। हाँ जी। उसको देह है नहीं, तो बच्चों को भी न्यारा देही बनाना चाहता है। जी जी जी। और ज्ञान इसीलिए दिया कि बच्चे ये देह तो है ही विनाशी, आज है कल सबकी छूटने वाली है, इसलिए दैहिक अगर प्यार है तो दुख है। अगर आत्मा से सच्चा प्यार है तो दुख की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे स्थान पर गई। अगर शरीर छोड़ करके वो गई और हमने दुख यहाँ किया, तो दुख की फीलिंग उस आत्मा को भी दुखी करेगी। ये भी एक बहुत गहन कर्मों की गति है कि अगर मेरा किसी से स्नेह है और उस स्नेह के कारण मैं आत्मा यहाँ दुखी हो रही हूँ कि वो चला गया, छोड़ के गया, वास्तव में दुख का कारण स्वार्थ है। बिल्कुल स्वार्थ है कुछ न कुछ आत्मा का, इसलिए दुख होता है। अगर निस्वार्थ भाव से ज्ञान युक्त होकर के चलता है तो आत्मा जहाँ गई है वहाँ अच्छे से अच्छा पार्ट बजाए, और वो पार्ट अच्छा तभी बजा सकती है जब हमारी शुभ भावनाएं उसके प्रति हों, उसके पर सच्चा स्नेह ये है कि तुम जहाँ भी रहे वहाँ सुखी रहे। जी। तो बाबा हमको ऐसा ज्ञानी बनाना चाहता है, इसलिए कहता है बच्चे कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है, हम देखते थे बाबा के सामने भी कईयों ने शरीर छोड़ा, साकार बाबा जब थे तो मम्मा ने शरीर छोड़ा, भाऊ ने हमारे विश्व किशोर दादा ने शरीर छोड़ा, और इतना प्यार, इतना समीप वाले दोनों थे कि बाबा का एक अंग रक्षक के रूप में विश्व किशोर दादा थे,
और विश्व किशोर दादा के प्रति बाबा ने, जब उनको बीमारी हुई, उनका ऑपरेशन हुआ बॉम्बे में, तो बाबा ने पूरी रात जाग करके उस बच्चे के लिए योग किया, उसको सकास दी, लेकिन फिर भी उसके दर्द को बाबा ने योग बल से खींचा, कम किया, फिर भी उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ने के बाद बच्चों ने सोचा कि बाबा का इतना नज़दीक का रतन था, मैं इस बॉडी को मधुबन ले जाऊं। बाबा ने कहा, बच्चे जिससे प्यार था वो तो बाबा के पास आ गया, शरीर से तो प्यार बाबा का था ही नहीं, इसलिए उस बॉडी को भी लाने की यहाँ क्या ज़रूरत है, उसको वहीं जला दो, उसका संस्कार वहीं कर दो। तो बाबा ने इतना नष्टोमोह का उस समय पाठ पढ़ा और सब बच्चों को पढ़ाया कि देह तो है ही विनाशी। फिर कोई कोई उसका फोटो लेकर के आए, तो बाबा को जब वो फोटो दिखाने लगे, तभी बाबा ने कहा, बच्चे किसका फोटो दिखाते हो, उस आत्मा का फोटो तो निकल ही नहीं सकता, इसलिए इस फोटो की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा ज्ञान युक्त प्रेम उस बच्चे से करते थे, इसलिए बाबा ने कहा उसको एडवांस पार्टी में जाना था, वो बच्चा नई सेवा के लिए गया है, इसलिए जहाँ गया वहाँ सुखी रहे, हमको दुख नहीं करना है। तो बाबा हम बच्चों को अपने समान ऐसा ज्ञानी तो आत्मा बनाना चाहता, बाबा ने प्रैक्टिकल करके सिखाया, इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे ज्ञान युक्त प्रेम करो, दैहिक प्रेम नहीं।